सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड ओवरसीज़। मैं हूं जितेंद्र सिंह और आज हम आपके साथ जो वीडियो शेयर करने जा रहे हैं वो है एक वीज़ा के बारे में। नीदरलैंड का भी एक हमारा वीज़ा अप्रूवल हुआ है। ये एक्चुअल में हमारे जो क्लाइंट्स हैं ये हैं महाराष्ट्र से, इन्होंने हमारी ऑनलाइन सर्विस ली थी और इनका अभी वीज़ा अप्रूवल हुआ है। इन्होंने 10 मार्च को अपनी एप्लीकेशन सबमिट की थी और 22 मार्च को इनका वीज़ा स्टैम्प हो गया था और 25 मार्च को इनको ये वीज़ा इनके घर में डिलीवर हो गया था। तो वीज़ा इनका आया है कि हम इस वीज़ा को क्यों शेयर कर रहे हैं। शेयर करने का रीज़न ये है कि इनके पास ना तो कोई इनकम प्रूफ था और ना ही इनकी सेल्फ फंडिंग थी। इनको स्पॉन्सर किया था इनके ब्रदर ने। यहाँ पे ध्यान रखें, इनको स्पॉन्सर किया गया, इनवाइट नहीं किया गया। यानी इनके ब्रदर इंडिया में हैं, उन्होंने इनका एक्सपेंस दिखाए थे कि जितने भी इनके ट्रैवल एक्सपेंस होंगे वो पे करेंगे और वो इंडिया में ही जॉब कर रहे हैं, इंडिया में ही रह रहे हैं और उनकी अच्छी जॉब थी और उनके पास अच्छी फंडिंग थी। तो उनके डॉक्यूमेंट लगा के, उनसे स्पॉन्सरशिप लेके इन्होंने अपना वीज़ा अप्लाई किया था। उस बेस पे इनको वीज़ा इशू हुआ है। तो इस बेस पे वीज़ा इश्यूज होते हैं यदि आपके पास अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है, क्योंकि इस एप्लीकेंट के पास ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी थी, इन्होंने काफ़ी कंट्रीज़ ट्रैवल किया हुआ था। आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, इनकम नहीं है या फिर आपके पास फंडिंग नहीं है, तो इंडिया में रह रहे आपका कोई भी रिलेटिव्स जो आपका ब्लड रिलेशन में है, यदि आपको वो फंडिंग करता है, आपके ट्रैवल एक्सपेंस देता है, देन आप शेंगेन का वीज़ा ले सकते हो। शेंगेन का वीज़ा इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, बट आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है तो वीज़ा नहीं आता। आपके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए। वैलिड रीज़न में आपके ट्रैवलिंग भी एक रीज़न हो सकता है कि आपको शौक है कंटिन्यू ट्रैवल करने का और आपने कंटिन्यू एक ट्रैवल किया हुआ है, तो उस केस में आपका वीज़ा ईजिली इशू हो जाता है। यदि आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है बट आपके पास इनकम प्रूफ और फंडिंग अच्छी नहीं है, तो आप अपने पेरेंट्स से स्पॉन्सर करवा सकते हैं, अपने ब्रदर से, सिस्टर से। तो यदि आपको ये लोग स्पॉन्सर करते हैं तो उस केस में भी आप अपना वीज़ा ले सकते हो। तो वीज़ा ईजिली आता है। आप यदि अपना वीज़ा अप्लाई करवाना चाहें तो हमारे से कॉन्टैक्ट करके भी अपना वीज़ा अप्लाई करवा सकते हैं। आज की डेट में आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाह रहे हैं तो ट्रैवल हिस्ट्री भी बड़ी इजीली बना सकते हैं। अभी रिसेंटली हमारे कुछ एप्लीकेंट ने थाईलैंड का स्टिकर वीज़ा अप्लाई किया था, तो उनका थाईलैंड का स्टिकर वीज़ा आया है। तो वीज़ा इजीली आ जाता है थाईलैंड का। आपको जस्ट अपना पासपोर्ट और फोटो और एक बैंक स्टेटमेंट देनी होती है। तो आप हमारी सर्विस भी ले सकते हैं। आपकी सबमिशन, कलेक्शन, कुरियर, यानी आप कहीं पे भी हैं ऑल ओवर इंडिया में, आपको बस जस्ट कुरियर करने हैं अपने डॉक्यूमेंट और आपके भी यहाँ पे हम आपकी फ़ाइल जो है वो VFS में सबमिट करके वहाँ से कुरियर डायरेक्ट आपके घर में हम करवा सकते हैं और आपको कंप्लीट सर्विस हम प्रोवाइड करा सकते हैं। इवन कि आपको टर्की का वीज़ा अप्लाई करना है और आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाने की सोच रहे हैं, तो फर्स्टली आप थाईलैंड, दुबई से ट्रैवल करना स्टार्ट करें, आफ्टर दैट अपना टर्की का वीज़ा अप्लाई कर दें। टर्की का वीज़ा आ जाता है तो देन आफ्टर आप वहाँ ट्रैवल करने के बाद आप अपना वीज़ा शेंगेन में अप्लाई कर सकते हैं। शेंगेन में वीज़ा अप्लाई होता है तो बड़ा इजी हो जाता है। थाईलैंड के लिए सबमिशन सर्विस भी आपको मिल जाएगी। आपका प्रोफाइल, आपकी फ़ाइल आपको जस्ट कुरियर करनी है और हम आपके भी यहाँ पे सबमिशन करवा सकते हैं और कुरियर डायरेक्ट आपके होम में जा सकता है, कुरियर डायरेक्ट आपके घर जा सकता है। तो वह आपको एक प्रॉपर और एक सही सर्विस मिल सकती है। और उसके बाद आपको टर्की का वीज़ा अप्लाई कराना हो तो वो भी करवा सकते हैं। आपको किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करवाना है, चाहे वो UK है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, शेंगेन की किसी भी कंट्री का वीज़ा करवाना है, या फिर आपको कोलंबिया, ब्राज़ील, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ भी हैं हमारे पास, उनमें भी वीज़ा अप्लाई करवाना हो तो हम इन सब कंट्रीज़ में वीज़ा सर्विसेज देते हैं। आपको थाईलैंड, दुबई और इन कंट्रीज़ में भी वीज़ा अप्लाई करवाना हो तो हम इन कंट्रीज़ में भी वीज़ा आपका अप्लाई करवा सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा कि जो भी हम वीज़ा से रिलेटेड अपडेट लेके आएँ वो आप तक पहुँचती रहे। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।